शायर मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल डॉट कॉम में डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कम्प्लायंस आज हम लोग बात करेंगे एक नोटिफिकेशन की जो कि आया था जून में ही फिफ्थ जून 2020 को एम के द्वारा और उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं रूल में स्पेशली मैं कहूँ तो डिबेंचर के, के केस में और स्वेट इक्विटी शेयर के, के केस में क्या है वो चेंजेस उससे रिलेटेड क्लैरिटी लाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है चलिए देखते हैं इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें लाइक करें कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मैं कोशिश यूं ही जीएसटी इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियोज अपडेस आपके लिए लाती रहूं रहू so, जैसे कि आप देख रहे हो ये है नोटिफिकेशन जो कि आया था फिफ्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी को इसमें कहा गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ट बाई सब सेक्शन वन एंड टू ऑफ सेक्शन फोर सिक्स एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन द सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉलोइंग रूल फर्दर टू अमेंड देयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स सो बेसिकली क्या किया जो गवर्नमेंट ने क्या किया कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए कुछ चेंजेस किए हैं और अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो ये इस नोटिफिकेशन में दो ही चेंज के बारे में बात की जा रही है एक है स्वेट इक्विटी शेयर और दूसरा है डिबेंचर उससे रिलेटेड चेंजेस है चलिए समझते हैं इन द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स हेयर इन आफ्टर रेफर टू द सेड रूल्स रूल एट सब रूल फोर सेकेंड प्रोविजियो यानी आप अगर रूल एट देखोगे उसके सब रूल फोर में देखोगे तो लिखा हुआ है फॉर द लेटर फिगर ब्रैकेट एंड वर्ड

अगर आप देखोगे रूल का जो एट पॉइंट है उसके अंदर जो सब रूल फोर है उस पॉइंट में चेंज किया गया है और वो पॉइंट में अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है जो स्टार्टअप कंपनी होती है उनका डेफिनेशन के बारे में बताया गया था और वो डेफिनेशन कहा गया था आपको लेना है सेवनटीन फेब टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन है वो वाला फॉलो किया जाएगा बट अब चेंज करके इसे कर दिया गया है कि 19 फरवरी 2019 में जो स्टार्टअप कंपनी का जो डेफिनेशन बताया गया है वो वाला डेफिनेशन इस केस में यानी स्वेट इक्विटी शेयर के केस में एप्लीकेबल होगा और जहां फाइव ईयर लिखा है वो टेन ईयर होगा चलिए पहले देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जैसे कि आप देख रहे हो रूल एट डील करता है स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड अ कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सेबी जिसको सेबी के रेगुलेशन क्योंकि फ्रेंड जैसे हम लोग जानते हैं लिस्टेड कंपनी को सेबी के रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं सो so, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है उसको सेबी के रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर तो वो स्वेट इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकता डायरेक्टर इंप्लॉय को डिस्काउंट में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बिना कैश के किसी और मोड पे नहीं दे सकता यानी किसी से काइंड पे बोल दो कोई वैसे कंसिडरेशन पे नहीं दे सकता प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग एवलेबल राइट इन द नेच ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल अनलेस द इशूज ऑथोराइज बाई अस आर पास बाई द कंपनी इन जनरल मीटिंग यानी अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है वो अपने इम्प्लॉय और डायरेक्टर या इम्प्लॉय या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है डिस्काउंट पे तो क्या वो कर सकती है ऑफकोर्स वो कर सकती है एक रूल है कि उसे एसआर पास करना पड़ेगा यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रेंड जैसे कि हम लोग जानते हैं वोटिंग जो होता है एक होता है ऑर्डनरी रेजोल्यूशन जहां मेजोरिटी का बात माना जाता है और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन यानी जो फेवर में वोट है वो थ्री टाइम्स हो कंपेयर टू जो अनफेवर में वोट हो उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा यानी मेजोरिटी वोट चाहिए मेजोरिटी से भी ज्यादा वोट चाहिए अगर वो वोट आ जाता है तब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर अपने डायरेक्टर या इम्प्लॉज को दे सकता है डिस्काउंट में जनरली डिस्काउंट में ही इश्यू होता है सो so, ये था स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड पॉइंट इसमें बताया गया है इंप्लॉय का डेफिनेशन क्या है डायरेक्टर कौन होता है वो सब अब जो मेन चीज ये है जहां जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि रूल एट का सब रूल फोर में चेंजेस है ये है वो रूल एट का सब रूल फोर जिसमें कहा गया है कंपनी शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर यानी साल में एक साल में उसका जितना भी एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका पंद्रह परसेंट निकालिए उससे ज्यादा उस साल आप इशू नहीं कर सकते स्वेट इक्विटी शेयर या फिर जो इशू का जो वैल्यू है पांच करोड़ इशू वैल्यू ऑफ रुपीज फाइव करोड़ विच एवर इज हायर यानी पांच करोड़ या पंद्रह परसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आपको देखना पड़ेगा कौन ज्यादा है वही मैक्सिमम सीलिंग है इससे ज्यादा एक साल में कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकता और क्या लिखा है प्रोवाइडेड दैट दिस इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इन अ कंपनी शेल नॉट एक्सेप्ट ट्वेंटी अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम और एक और साथ में पॉइंट लिख दिया चलिए एक सीलिंग तो बता दी कि एक साल में आप कितना इशू कर सकते हैं स्वेट इक्टिशियर साथ में ये भी बोल दिया कि किसी भी साल अगर आप देखोगे कि इस साल एंड में मैं टोटल कितना स्वेट इक्टिशियर मैंने इशू किया हुआ है तो वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब देड इक्विटीशियर कैपिटल किसी भी साल आप देखोगे तो पच्चीस परसेंट का सीलिंग लगा दिया कभी भी ये पच्चीस का सीलिंग क्रॉस नहीं होना चाहिए एक कंपनी को जो भी कंपनी है वो भले अनलिस्टेड है पर वो स्वेट इशू कर रही है तो वो देखेगी कि जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है कभी भी का। उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा उसके पास स्वेट इक्विटिशिया इशू नहीं होना चाहिए सो ये एक और सीलिंग है यहां ध्यान देने वा, वाली जो बात है वो ये है प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ स्टार्टअप कंपनी अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है जिसको डिफाइन किया गया है सत्रह 2016 के नोटिफिकेशन में बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर शेल नॉट एक्सीड फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेड इक्विटी शेयर अप टू फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सो पहले रूल क्या था कि स्वेट इक्विटी स्टार्टअप कंपनी जो है सॉरी जो स्टार्टअप कंपनी है उसका डेफिनेशन आपको देखना है सेवनटीन फेब टू की जो नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट के उसमें और उस कंपनी जो कंपनी आपको पता कि हाँ ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी में आ रही है वो कंपनी को एक प्रिविलेज दिया गया कि आपके लिए चलो हम लोग ये फायदा देते हैं कि आप जो स्वेटिंग इशू कर रहे हो वो पचास परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल अप टू फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉपरेशन और रजिस्ट्रेशन आपने जब से रजिस्टर करवाया है इनकॉपरेट करवाया है वहां से देखा जाएगा पचास परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अब चेंजेस क्या है फ्रेंड स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है फ्रेंड वो चेंज कर दिया गया है स्टार्टअप का डेफिनेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जो नया नोटिफिकेशन आया था 2019 में फरवरी के उसमें क्या दिया हुआ था वो माना जाएगा और जहां यहाँ फाइव ईयर यह लिखा है उसको टेन ईयर कर दिया गया है यानी दस साल तक का टाइम दिया गया है तो टोटल पचास परसेंट से ज्यादा दस साल में जो कंपनी है रेज नहीं कर सकता स्वेट इक्विटी शेयर तो टेन ईयर का टाइम है टेन ईयर थोड़ा थो, थो करके आप रेज करते रहोगे स्वेट इक्विटीशियर इशू करते रहोगे पर कभी भी ये पचास से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हो कि बाकी कंपनी के लिए ये कहा गया है ट्वेंटी फाइव परसेंट का सीलिंग सिर्फ स्टार्टअप कंपनी को ये प्रिविलेज दिया गया है कि हाँ आप पचास परसेंट तक कर सकते हो वो भी टेन ईयर के टाइम में यहाँ फाइव ईयर लिखा हुआ है पर एमेंड किया गया है चीजों को और वहां टेन ईयर किया गया है चलिए पहले मैं आपको दिखा दू स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन जो नाइनटीन फेवरी टू को इशू हुआ था इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप में आती है तो दस साल तक का टाइम है आपके पास आप पचास परसेंट से ज्यादा स्वेट इपटिशियर नहीं इशू कर सकते हैं मैक्सिम फिफ्टी परसेंट का सीलिंग दिया गया आपको देखते हैं क्या डेफिनेशन है एंटिटी शैल बी एज स्टार्टअप अप टू अ पीरियड ऑफ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोर रजिस्ट्रेशन इफ इट इज इनकॉर्पोटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया पॉइंट टू टर्न ओवर द एंटिटी फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हैज एक्सीडेड वन हंड्रेड करोड़ रूपीज टर्न ओवर अगर इतना है आपका इस लिमिट के अंदर है तो इंटीटी इज वर्किंग ट्ड इनोवेशन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस और इफ इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ इम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन इम्प्लॉयमेंट जनरेशन वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है ऐसी कोई इंटीटी हो उन सबको स्टार्टअप के डेफिनेशन में लिया गया है प्रोवाइडेड एट एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर स्टार्टअप तो स्प्लिट अप करके कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें रिकंस्ट्रक्शन चेंजेस करके उसको आप स्टार्टअप नहीं बोल सकते स्टार्टअप नया कंपनी आपने ओपन किया है और ये जो कंडीशन बताया जो टर्न बताया जो कहा कि इनोवेशन वाला हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हो रजिस्टर्ड हो तो ये सब जो पॉइंट बताया गया अगर उसके डेफिनेशन में आपका आता है तो स्टार्टअप कंपनी माना जाएगा और स्टार्टअप कंपनी में अगर आप क्लासिफाई हो जाते हो तो आपके पास स्वेट इक्विटी शेयर के इश्यू करने का उसका लिमिट हाई है कंपेयर टू अदर कंपनीज़ ये उससे जो नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया 19 फरवरी 2019 नाइनटीन का जो नोटिफिकेशन था ये वही है सो so, ये था उसका फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग ने देखा सो so, जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट नंबर थ्री है इन द सेट रूल इन रूल एटीन सब रूल सेवन इन क्लॉज बी रूल एटीन है डिवेंचर सब रूल सेवन का क्लॉज जो बी है उसका जो क्लॉज फाइव है फ्रेंड उसका जो क्लॉज जो फाइव है ना फ्रेंड वो डील करता है डिवेंचर रिडेमशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्रेंड जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी डिवेंचर इशू होता है कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उस पर लाइबिलिटी क्या होती है कि उसे कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा उसे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा पर्टिकुलर जगह पे सो पॉइंट फाइव जो आप देख रहे हो सब क्लॉज फाइव जो लिखा है वो उस इन्वेस्टमेंट से डील करते हैं डिवेंचर से रिलेटेड डिवेंचर फंड को इन्वेस्ट कितना करना है उस चीज से और किसको करना है उस चीज़ से डील करता है तो उस चीज़ में अमेंडमेंट है कि, कि किसको करना है इन्वेस्ट और कितना अमाउंट करना है फ्रेंड वो है फिफ्टीन परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना है क्या लिखा है जैसे कि आप देख रहे हो इन केस अ कंपनी इज कवर्ड इन आइटम ए आइटम ए यानी पब्लिक इशू कंपनी अगर पब्लिक इशू कर रही है क्लॉज क्लॉज सब डील करता है 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 लिस्टेड लिस्टेड कंपनी कंपनी अगर एक है, और वो क्या कर रही पब्लिक इशू कर रही है ऑफ क्लॉज बी बी तो मैंने आपको बता दिया वही लिखा हुआ है कि जिसमें डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व कितना मेंटेन करना है और फंड कितना इन्वेस्ट करना है क्लॉज फाइव सिर्फ फंड इन्वेस्टमेंट से डील करता है सो so, कितना इन्वेस्ट करना है? अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो कितना इन्वेस्ट करना है उसके लिए कहा गया है कि अगर लिस्टेड कंपनी है और पब्लिक इशू लेके आती है तो पंद्रह परसेंट उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज फोर ऑफ क्लॉज बी क्लॉज बी तो मैंने आपको बता दिया डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट फाइव जैसे कि मैंने बताया हम लोग इस इस पर्टिकुलर पॉइंट फाइव जो है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट वाला पढ़ेंगे कितना इन्वेस्ट करके रखना है तो जो क्लॉज बी है इन्वेस्ट करने वाला उसमें बताया गया है सब क्लॉज फोर जो कि डील करता है अनलिस्टेड कंपनी से यानी कोई अनलिस्टेड कंपनी है और आइटम बी जो है वो डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट से सो so, कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है डिबेंचर का उसको भी पंद्रह परसेंट इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा पर्टिकुलर जगह पे जो भी प्रिस्क्राइब है अच्छा कहां प्रिस्क्राइब्ड है वो भी लिखा हुआ है इट शेल ऑन बिफोर दर्टी डे ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जो मेच्योर हो रहा है उसका अमाउंट आपको ये साल खत्म हो गया ये साल खत्म हुआ आपका मार्च में थर्टी फर्स्ट मार्च तो तीस अप्रैल के अंदर उतना अमाउंट डिपॉजिट करना है कि जितना आपका मेच्योर होने वाला है कमिंग ईयर में कैसे डेट कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी प्रोवाइडेड अच्छा और कहाँ इन्वेस्ट करना है एज प्रोवाइडेड इन सब क्लास सिक्स सब क्लॉज सिक्स में बता दिया गया है कहाँ का इन्वेस्टमेंट अलाउड है प्रोवाइडेड विद द अमाउंट रिमेनिंग इन्वेस्ट और डिपोजिट इज द केस में बी शेल नॉट एट एनी टाइम फॉल बिलो फिफ्टीन परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपेंचर मच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट डे ऑफ मार्च ऑफ दैट ईयर चलिए जैसे मैं आपको दिखाऊं रूल एटीन डिबेंचर से डील करता है द कंपनी शेल नॉट इशू सिक्योर अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन क्या क्या कंडीशन है वो दिया हुआ है जिसमें पॉइंट सेवन जो है वो बोलता है डिवेंचर रिडेमशन रिजर्व और इन्वेस्ट या डिपॉजिट कितना करना है उससे रिलेटेड पॉइंट को कवर करता है उसमें कहा गया पॉइंट ए में डिन्चर रिडम्शन रिजर्व शेल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट डिविडेंड या फ्री रिजर्व जो होता है वहां से डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व अलग करके रखना है रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट केस बी पॉइंट जो है वो डील करता है रिजर्व से और इन्वेस्टमेंट या उससे रिलेटेड डिपोजिट कितना करना है बी में फ्रेंड सेग्रीगेट करके दिया हुआ है पहले हम लोग बताया गया हम लोग को डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व किस को मेनटेन करना है फिर पॉइंट नंबर फाइव में बताया गया है कि कितना इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करना है तो पहले डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व के बारे में बताया गया है जैसे कि आप देख रहे हो पहला पॉइंट यही है कि डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई से बैंकिंग कंपनी को जो कि पब्लिक करे या प्राइवेट प्लेसमेंट करे ये लोग को डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई होप आप लोग को पता हो एग्जाम्पल अगर मैं दे दू तो एग्जिम है नबार्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक है ये सब जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं और बैंकिंग कंपनी को भी इन लोगों ने कवर किया है भले पब्लिक इश्यू हो प्राइवेट प्लेसमेंट हो वो लोग को नहीं बनाना डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कहा गया है जो भी एनबीएफसी NB, का रूल होगा वो उनपे एप्लीकेबल होगा और मैं आपको बता दूँ, एनबीएफसी को डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व बनाने की कोई जरूरत नहीं सो इन शॉर्ट जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विद इन द मीनिंग क्लास सेवेंटी टू ऑफ सेक्शन टू ऑफ कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन आप देखोगे सेक्शन टू देखोगे क्लॉज सेवेंटी टू टू देखोगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहा गया है वो बताया गया है सो so, अगर आप उसमें कवर्ड हो तो आपको भी बनाने की कोई जरूरत नहीं डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व भले आपने डिवेंचर इशू किया है पॉइंट थ्री खास बात जहां अमेंडमेंट से रिलेटेड है फॉर लिस्टेड कंपनी अगर कंपनी लिस्टेड है अदर देन एन बी एफ सी सॉरी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी वो लोग को छोड़ दे तो डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व क्योंकि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी को तो ऐसे ही एग्जैम्ट किया हुआ है कि आपको नहीं बनाना डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व कहा गया बाकी जो लिस्टेड कंपनी है उनको नहीं बनाना कौन कौन अगर पॉइंट ए है अगर पब्लिक इशू लेके आते हो तो भले वो एनबीएफसी हो हाउ ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो रजिस्टर्ड उनको नहीं करना डिवेंचर रिजर्व मेंटेन अदर लिस्टेड कंपनी उनको भी नहीं करना डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व मेंटेन पॉइंट बी कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो आप डिवेंचर का तो भले आप ए में आते हो सब कैटेगरी या बी में आते हो यानी एनबीएफसी में आते हो या अदर लिस्टेड में आते हो उन लोग को भी नहीं करना फॉर अनलिस्टेड कंपनी अच्छा अनलिस्टेड कंपनी के लिए कहा क्या कहा गया अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैकिंग कंपनी मैंने आपको पहले ही बताया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी को डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व नहीं मेंटेन करना सो so, बाकी जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए कहा गया है अगर वो एन है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको तो बनाना ही नहीं है डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व बाकी जो बच गई अनलिस्टेड कंपनी उनको बनाना है फ्रेंड टेन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर जितना भी डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है उतना बचा हुआ है रिडीम्ड नहीं हुआ है उनका टेन परसेंट डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व बनाना है और पॉइंट फाइव जैसे कि मैंने आपको बताया जहां अमेंडमेंट किया गया है जो कि डील करता है इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट से यानी डिबेंचर आपने इशू किया मैंने आपको बता दिया डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व किस किस को बनाना है साथ में डिबेंचर को रिडीम करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी प्रिस्क्राइबड है कि अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ अमाउंट सर्टेन जगह पे सो so, कितना इन्वेस्ट करना है और किस किस को इन्वेस्ट करना है वो पॉइंट फाइव में कवर्ड है सो पॉइंट फाइव स्पेशली फंड से रिलेटेड डील करता है इससे पहले मैंने आपको रिजर्व uh, से रिलेटेड बातें बताई अब मैं इन्वेस्ट कितना करना है फंड उससे रिलेटेड बताती हूँ इनके से कंपनी ए ए यानी पब्लिक इशू के बारे में बात कर रहा है पब्लिक इशू कर रही है और आइटम बी आइटम बी फ्रेंड हट चुका है यानी पब्लिक इशू सिर्फ कवर्ड है ऑफ सब क्लॉज थ्री ऑफ क्लॉज बी क्लॉज बी मैंने आपको बताया फंड डिवेंचर रिडमशन रिलेटेड तो फंड कितना इन्वेस्ट करना है सब क्लॉज थ्री सब क्लॉज थ्री ऑफ फ्रेंड लिस्टेड कंपनी के लिए कहा गया सो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसके लिए पॉइंट ए पब्लिक इशू लेके आती है डिवेंचर का तो सर्टेन परसेंटेज उसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मोड पे साथ में कहा गया और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज फोर ऑफ क्लॉज बी क्लॉज बी मैंने आपको बताया कितना इन्वेस्ट करके रखना है सब क्लॉज फोर डील करता है अनलिस्टेड कंपनी के केस में और उसका आइटम बी डील करता है कि कितना इन्वेस्ट सॉरी उसका आइटम बी जो है वो डील करता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट कितना करना है सो so, कहा गया इट शेल ऑन और बिफोर थर्टी डे ऑफ अप्रैल इन इच फाइनेंशियल ईयर सो सपोज एक चार उन्नीस को फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ थर्टी मार्च ट्वेंटी 20 को ट्वेंटी ट्वेंटी को फाइनेंशियल एंड हुआ तो तीस अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तक इन्वेस्ट करना है फ्रेंड फिफ्टीन परसेंट अच्छा किस अमाउंट का फिफ्टीन परसेंट उसको इन्वेस्ट करना है आने वाला कमिंग ईयर का थर्टी फर्स्ट मार्च में जितना होगा नेक्स्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ एक अप्रैल नाइनटीन को एंड हुआ थर्टी मार्च ट्वेंटी को तीस अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तक मुझे इन्वेस्ट करना है कितना अमाउंट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो मेच्योर होने वाला डिबेंचर है उसका फिफ्टीन परसेंट मुझे इन्वेस्ट करके रखना है प्रिस्क्राइब मोड पे वो भी कब तक थर्टी अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तक ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे बताया है इस तरीके से वो डेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको सो so, अगर कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है या अनलिस्टेड कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो उन पर लाइबिलिटी है इन्वेस्टमेंट का कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना है प्रिस्क्राइब मोड पे इस पीरियड के अंदर पंद्रह परसेंट मैंने आपको बताया इन्वेस्ट और डिपोजिट एज अ केस में बी असम विशेल नॉट बी लेस देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन एनी वन और मोर मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपोजिट एज प्रोवाइडेड इन सब क्लास सिक्स सब क्लास सिक्स में मोड प्रिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ कहां इन्वेस्टमेंट अलाउड है वहां वहां आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा अगर आप कवर्ड होते हो तो इस कैटेगरी में

सो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के लिए क्या कहा गया है उनके लिए कहा गया है कि उनको डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व नहीं मेंटेन करना भले पब्लिक इशू लेके आए या प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आए अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कहा गया उनके लिए कहा गया कि उनके लिए एनबीएफसी का रूल फॉलो होगा और जैसे कि मैंने आपको बताया एनबीएफसी को डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं लिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू लेके आए या प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आए पब्लिक इशू लेके आती है भले वो एनबीएफसी हो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या अदर कंपनी हो या प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आती हो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या अदर कंपनी हो उनको भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं यानी इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं अनलिस्टेड कंपनी पर लाइबिलिटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा जैसे कि देख रहे हो पॉइंट थ्री में सेग्रीगेट किया हुआ है पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट फोर अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी में क्या कहा गया कि एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि उनको डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व मेंटेन नहीं करना अदर अदर अनलिस्टेड कंपनी के लिए कहा गया कि हाँ वो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी उनको टेन परसेंट तक जो है अपना डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व मेंटेन करना है और अगर मैं बात करूँ कि फंड इन्वेस्टमेंट की कितना इन्वेस्ट करके रखना है तो वो लिमिट है पंद्रह परसेंट तो अनलिस्टेड कंपनी को पंद्रह परसेंट तक इन्वेस्ट करके रखना है सो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो एग्जेम्प्टेड है लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो उनको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की कोई रिक्वायरमेंट नहीं डिवेंचर रिडेन फंड कितना इन्वेस्ट करना है अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एन बी एफ सी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक इशू लेके अनलिस्टेड कंपनी है सॉरी तो वो जो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है उसका फिफ्टीन परसेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी लिस्टेड कंपनी है उसके लिए कहा गया है कि पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं पब्लिक इशू जो वो लेके आएगी उसका फिफ्टीन परसेंट उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा डिस्क्राइब मोड पे डेट कैलकुलेशन मैंने आपको बताया सपोज एक अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन को फाइनेशली स्टार्ट होता है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी को खत्म होता है सो पंद्रह परसेंट मेरे को डिपॉजिट करके रखना है कब तक तीस अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तक अच्छा किस अमाउंट का पंद्रह परसेंट डिपोजिट करना है जो मैच्योर होने वाला है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को सो so, एग्जांपल देके मैंने बताया है कि इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको फिफ्टीन परसेंट सो आई होप ये जो नोटिफिकेशन आया था आप लोगों से क्लियर हुआ हो कि क्या है मैटर सर्टिफिकेट शेयर का और डिबेंचर का अगर स्टिल कोई डाउट हो कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या किसी और मैटर पे कंपनी से रिलेटेड कंपनी एक्ट से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखेगा मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वायरी की रिप्लाई करूँ थैंक यू बाय